अपनी विविध मांगों को लेकर भरी बरसात में आईटक ने जिला परिषद के सामने धरना आंदोलन किया। आईटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटना संयुक्त कृति समिति की ओर से मानसून अधिवेशन निमित्त सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 26 जुलाई को मुंबई आजाद मैदान में आशा व गट प्रवर्तक इन्हें न्यूनतम वेतन लागू करे, शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दे, दिवाली बोनस अप्रैल से राज्य सरकार का बकाया मानधन मिले, इसी के साथ विविध प्रलंबित मांगों के लिए राज्य व्यापी छतरी मोर्चा आयोजित किया गया था और उसी मुताबिक आईटक के राज्य सचिव कॉमरेड विनोद झोड़के, भाकप के जिला सचिव कॉमरेड नामदेव कन्ना के, राज्य काउंसिल सदस्य कॉमरेड रविन्द्र उमाटे, सह सचिव कॉमरेड राजू गैनपार, कॉमरेड प्रकाश रेड्डी, निकिता नीर, जिला सचिव इनके नेतृत्व में आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारियों का चंद्रपुर जिला परिषद पर भरी बरसात में भव्य छतरी मोर्चा नारेबाजी करते हुए पहुंचा। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार का जाहिर निषेध दर्शाया गया, साथ ही विविध मांगों का निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला आरोग्य अधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्हें दिया गया। विविध स्थानिक मांगों के संबंध में चर्चा की गई। मांगे पूरी न होने पर बेमियादी राज्यव्यापी हड़ताल करने का इशारा कॉमरेड विनोद झोड़के ने दिया। मोर्चा को सफल बनाने के लिए सुनंदा मुलमुले, शालू लांडे, सखो खोके, विद्या जांभुड़े, सविता गटलेवार आदि ने अथक परिश्रम लिया। इस समय जिले भर से हजारों आशा वर्कर और गट प्रवर्तक शामिल हुए थे। आशा गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचा छत्री मोर्चा या जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडकला आहे। आज प्रामुख्याने जी मागणी आहे, ज्या मणिपूरमध्ये महिलांवर धिंड काढून अनेक महिलांवर बलात्कार केला गेला, काहींचे खून पाडण्यात आले, घर जाळण्यात आले, त्या ज्या घटनेचा आम्ही आयटकच्या वतीने, आशा गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने पहिल्यांदा जाहीर निषेध करतो। सोबतच या आशा गटप्रवर्तकांना किमान वेतन मिळालं पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे, म्हातारपणात पेन्शन मिळाली पाहिजे, पगारी रजा मिळाली पाहिजे। म्हणून राज्यव्यापी मोर्चा आयटकच्या नेतृत्वामध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानामध्ये सुद्धा आहे आणि सोबतच महाराष्ट्रातल्या तमाम जिल्हा परिषद कार्यालयावर छत्री मोर्चा आहे आणि त्याच अनुषंगाने या जिल्हा परिषद कार्यालयावर आयटकच्या नेतृत्वात छत्री मोर्चा विराट असा धडकलेला आहे आणि या माध्यमातून या आमच्या आचारकर्त्यांच्या मागण्या या मोदी सरकार आणि या राज्य सरकारच्या कलपंथनेचं काम मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून करतो आहे आणि जोपर्यंत महिलांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आणखी लढा तीव्र केल्याशिवाय आम्ही नाईट हायटेक नेतृत्वात राहणार नाही। आयोजित किया है उसका जो मोर्चा रखने का कारण है, आशा को जो पेमेंट है वो 18,000 मिलने को होना, गटा प्रवर्तक को 25,000 मिलने को होना, क्योंकि 18,000 से हमारा कोई भी घर चलता नहीं, सब महंगाई बढ़ गई है। मैं सरकार से आवेदन करता हूँ कि अपने को 18,000 पेमेंट आशा को हर माह देना होना, और कुछ पेमेंट हमारा ऐसा है कि हर यानी मंथली होता नहीं, कुछ हमारा गैप्स हो जाता है, कुछ स्थगित रह जाता है, वो भी हम हर महीने में होने को होना। और जो हमारा आशा वर्कर का काम है घर घर रूटीन जाना, सबको भेंट देना, सबका रूटीन हम लोगों को चेक करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें ऐसा इज्जत से बात नहीं करते और कोई भी जो काम जो है हमारे तरफ ही सब कुछ काम डालते हैं। आशा का काम जो है हर घर घर में जाके सबको यानी गवर्नमेंट का जो सुविधा है और निधि है और सबका जो आरोग्य वर्कर का काम है और यानी प्रेगनेंसी बाई तरफ से लसीकरण तब और बच्चों की तरफ से हम काम मिलके करते हैं, लेकिन वो हम काम करते हैं उसका मुबदला जो वाजी है वो मिलता नहीं है। सरकार से हमको ये दुआ है कि हमको 18,000 आशा वर्कर को मिलने को होना और दूसरी बात बोले तो गट प्रवर्तक को 25,000 मिलने को होना।